अखिलेश यादव से आज कन्नौज में उनके चाचा शिवपाल यादव को लेकर भी सवाल पूछे गए। हालांकि अखिलेश यादव हमेशा शिवपाल यादव से जुड़े सवालों को नजरअंदाज करते रहते हैं, लेकिन आज शिवपाल यादव के सवाल पर अखिलेश की ऐसी प्रतिक्रिया सामने आई जिससे साफ हो गया कि विधानसभा चुनाव के बाद चाचा और भतीजे के बीच एक बार फिर दूरियां बढ़ गई। सुनिए चाचा से जुड़े सवाल पर अखिलेश ने कन्नौज में क्या कहा। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए, उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। एमएलसी चुनाव की तैयारियों के बीच आज अखिलेश यादव ने बड़ी कार्रवाई करते हुए समाजवादी पार्टी के चार नेताओं को निकाल दिया। जिन चार नेताओं को अखिलेश यादव ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है वो सभी उन्नाव में पार्टी की इकाई से जुड़े हुए थे। इन चारों निष्कासित नेताओं में से दो ब्लॉक प्रमुख हैं, जिनमें से एक उन्नाव के असोहा ब्लॉक प्रमुख बीतेंद्र यादव और दूसरा औरास ब्लॉक प्रमुख ज्ञानेंद्र सिंह हैं, जबकि गंज मुरादाबाद ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विवेक पटेल और बांगरमऊ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अर्जुन दिवाकर को भी पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कभी जिन्ना की तस्वीर तो कभी विरोध प्रदर्शन की वजह से सुर्खियों में रहने वाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अब अपने एक असिस्टेंट प्रोफेसर की हरकत की वजह से एक बार फिर चर्चा में आ गई, जिसके बाद एएमयू ने असिस्टेंट प्रोफेसर जितेंद्र कुमार को सस्पेंड कर दिया है। ये मामला अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मेडिसिन फैकल्टी का है, जहां पर प्रोफेसर जितेंद्र कुमार ने अपने लेक्चर के दौरान हिंदू देवी देवताओं पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर प्रोफेसर की हरकत के खिलाफ आवाजें उठने लगी और जब मामले ने तूल पकड़ा तो एएमयू प्रशासन के जवाब मांगने पर असिस्टेंट प्रोफेसर ने माफी मांग ली। लेकिन अब इस हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर को एएमयू प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया। प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ मिसकंडक्ट और सीरियसनेस ऑफ द मैटर को देखते हुए डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जो असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन में जेएन मेडिकल कॉलेज में, उनको सस्पेंशन उनका हो गया है टिल पेंडिंग इंक्वायरी, और उनको शो कॉज नोटिस जो इशू किया गया उसका जो जवाब आएगा उसके आधार पर फर्दर लाइन ऑफ एक्शन जो होगा वो तय किया जाएगा। हम बताते चले कि ये फॉरेंसिक मेडिसिन में क्लास में कल क्लास के दौरान कोई स्लाइड जो थोड़ी सी वो थी आपकी ऑब्जेक्शनेबल थी उस पर उसका संज्ञान लेते हुए कुछ शिकायत हुई और आज प्राइमा फेसी एविडेंस के आधार पे वो करा गया है।